एक T20 मैच में निर्धारित 20 ओवर में भारत की टीम 200 रन बनाती है 4 विकेट खो के, और जवाब में पाकिस्तान की टीम बहुत तेज़ी से पीछा करती है और 15 ओवर में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, पाकिस्तान हार जाती है। आप ये वीडियो को रोक के बताइए दोनों टीमों का नेट रन रेट कितना होगा। जिन्होंने पाकिस्तान का +2 और भारत का -2 कैलकुलेट किया है वो गलत हैं, और इसका सही आंसर है भारत का +1 और पाकिस्तान का -1, क्योंकि भारत का रन रेट इस मैच में रहेगा 10/200/20/10 और पाकिस्तान का 15 ओवर नहीं लिए जाएंगे बल्कि 20 ओवर लिए जाएंगे। पाकिस्तान का रहेगा 180/20 यानी कि 9। पाकिस्तान का नेट रन रेट होगा 9-10 यानी कि -1 और भारत का नेट रन रेट रहेगा 10-9 यानी कि +1। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि टीम ऑल आउट हो जाए, चाहे जीते हारे या टाई हो, हमें जितने ओवर का वो मैच था उतने ओवर्स लेने हैं रन रेट कैलकुलेशन में, और अगर पीछा करते हुए टीम जीत जाती है तो उतने ओवर लेने हैं जितने में वो टीम जीत गई है।